सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 5th डेमोक्रेसी टॉपिक 5th द वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट बी द प्लुरलिस्ट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी माय डियर स्टूडेंट्स इन previous video we studied point A the traditional theory today we shall study point B the pluralist theory and concept of democracy point B the pluralist theory and concepts of democracy इसे हम हिंदी में लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर मींस एक वचन मींस एक प्लुरल मींस बहुवचन एक से अधिक मोर देन वन उसी वर्ड से बना है प्लुरलिस्ट मींस बहुलवादी डेफिनेशन हम देखते हैं ए प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी डिस्क्राइब्स ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर देयर इज ए मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर बहुलवादी लोकतंत्र राजनीति सिस्टम का वर्णन करती है जहां पर एक से अधिक शक्तियां होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसको और समझने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स पावर जो एक आदमी के हाथ में ना हो लेकिन यह पावर दूसरों में बांट दिया जाए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो शक्ति है प्रत्येक आदमी के हाथ में बांट दी जाए तो हर आदमी शक्तिशाली होगा और वह शक्ति का इस्तेमाल देश हित में ही करेगा इसमें कोई एक व्यक्ति शक्तिमान नहीं होगा यदि कोई एक व्यक्ति शक्तिमान होता है तो वह तानाशाही बन सकता है यह निश्चित नहीं कर सकते कि वह दूसरों का भला करे माय डियर स्टूडेंट्स इसमें बहुत से ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं फॉर एग्जांपल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन बैंक एसोसिएशन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लॉ कानून बनाना है वह सबों की सहमति से बनाया जाता है किसी भी मुद्दे पर बातचीत होती है वह सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्रेस्थस द प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज सच ए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम इन विच मैनी प्राइवेट ग्रुप्स एंड बेनिफिशियरी ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस लोकतंत्र की बहुलवादी सिद्धांत ऐसे सामाजिक राजनीतिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट ग्रुप्स और लाभार्थी ग्रुप्स प्रशासन में भाग लेते हैं एडवोकेटेड बाय एच जे लक्स्की अर्नेस्ट बार्कर मिस फॉलेट जी डी एच कॉल
डिग बी एक्सेट्रा। फीचर्स, फर्स्ट इट अलाउज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग आर लोकेटेड मोस्टली इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड मैनी नॉन गवर्नमेंट ग्रुप्स यूज देयर रिसोर्सेस टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, फोर्थ इट बिलीव्स इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। माई डियर स्टूडेंट्स, हियर फेडरल मीन्स अ फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट डिवाइड्स अ पावर बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट एंड स्मॉल लोकल गवर्नमेंट्स। इन इंडिया ऑल्सो देर इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पावर इज डिवाइडेड इंटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। Fifth, resources and hence potential power are widely scattered throughout society. My dear student, potential means having the power or being capable of happening. इसे हिंदी में क्षमता कहते हैं. Now we shall study merits of pluralist theory. First, pluralistic societies are more innovative, which will help in the development of a society or country. Pluralistic societies, ये बहुत ही नवीन नवप्रवर्तनशील होती है जो हमारे समाज और हमारे देश के डेवलपमेंट में सहायता करती है. Second, groups work together as nobody dominates. This will promote team spirit. Groups है ये एक साथ मिलकर काम करता है, कोई भी dominates, कोई भी हावी नहीं होता है. Dominates means हावी, ये हमारी टीम स्पिरिट को बढ़ावा देते हैं. हमारे जो टीम स्पिरिट मीन्स दल निष्ठा, संघ की भावना होती है, एक साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है. थर्ड, सिंस एनी डिसीजन ऑन ए पर्टिकुलर इश्यू विल बी टेकन आफ्टर अ लॉन्ग एंड कंप्रेहेंसिव डिबेट्स, the decision is likely to be unbiased and fair. जो भी decision होता है किसी भी विशिष्ट मुद्दे पर decision किया जाता है, इसमें काफ़ी long समय और ये comprehensive होता है, ये बहुत ही विस्तृत होता है. The decision is likely to be अनबायस्ड एंड फेयर, और ये डिसीजन जो लिया जाता है वो निष्पक्ष होता है. पॉइंट फोर्थ, रिसोर्सेस पोटेंशियल पावर आर वाइडली स्केटर्ड थ्रू आउट सोसाइटी. सभी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में ये जो रिसोर्सेस है और पोटेंशियल जो पावर है उसको फैला दिया जाता है, उनमें दिया जाता है. नाउ लेट अस स्टडी डीमेरिट्स. फर्स्ट, डिफरेंट प्राइवेट ग्रुप्स विच आर सेंटर ऑफ पावर फॉर्म सच लॉस विच आर ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ग्रुप्स. बहुत से ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जो केवल अपने ही ग्रुप की भलाई देखते हैं और कानून बनाते हैं. सेकेंड, नो पार्टी टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलर ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी पार्टी गवर्नमेंट की असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. थर्ड, देर इज
delay in decision taking mechanism as the different groups have different opinions on a particular subject. कोई भी विशिष्ट सब्जेक्ट पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने अपने विभिन्न प्रकार के विचार रखते हैं और डिसीजन मेकिंग में देरी करते हैं. फोर्थ, दिस टाइप ऑफ अ मिक्स गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ पब्लिक गवर्नमेंट एज इट डज रिड्रेस कॉमन इश्यूज. इस प्रकार की जो मिक्स गवर्नमेंट है वो पब्लिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.